तो मैं बताने जा रहा हूँ कि इलाज कैसे और क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। आपको एक 6 महीने का ट्रीटमेंट का कोर्स पीरियड होगा, उसका आप पेमेंट करेंगे। फिर पेमेंट करने के बाद हम आपकी केस हिस्ट्री करेंगे। केस हिस्ट्री करने के बाद हम आपके लिए दवा का चुनाव करेंगे। जिस दवा का आपके लिए चुनाव किया जाएगा उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जैसे सारे डॉक्टर देते हैं, मीठी गोलियों में खाने के लिए, ठीक है, जैसा अभी तक आप जयपुर में खा रहे थे। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं सभी मरीजों में, इस क्लिनिक में कोई भी मरीज आएगा, ठीक है, या ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेगा, एक अलग तरीके से इलाज करता हूँ। इस ट्रीटमेंट के तरीके को कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर। इस सहनी इफेक्ट, इस तरीके में ऐसे एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें दवा को डाला जाता है, जो आपके लिए दवा चुनेंगे हम डिटेल, और इसमें आपका बाल लगा दिया जाता है। आप खाली हाथ जाएंगे यहाँ से। मैं किसी पेशेंट को कोई भी खाने की दवा इस क्लिनिक में नहीं देता हूँ, ठीक है, और ऐसे इलाज चलेगा आपका, ठीक है। समय दीजिएगा हमको, जल्दबाजी मत करिएगा। आपका समय नहीं आया था, आप 2 साल के बाद मेरे पास लौट के आए हैं ना। बिल्कुल सर, 2 साल के बाद। उस समय आपका समय नहीं आया था कि मैं आपको ट्रीट कर सकूं, मेरा समय नहीं आया था मैं आपकी सेवा कर सकूं, ठीक। तो इसलिए उसी तरह से सोच हो जाता है, उसी तरह से बुद्धि हो जाती है, उस तरह से लोग बताने वाले हो जाते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट से आप पूछेंगे प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो कहेगा ये क्या होता है, हम तो इतिहास जानते हैं। तो जिस आदमी को जो चीज़ की जानकारी नहीं वो क्या बताएगा, हाँ ठीक है। मैं आपसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में पूछूंगा तो बता पाएंगे आप, ठीक। तो जिस आदमी को क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानकारी है, जो मटेरियल साइंस के ऊपर की चीज़ जानता हो, जो इस टाइप की चीज़ों को समझा हो, वही तो बता पाएगा। दूसरा आदमी तो बोलेगा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा किया नहीं सकता, ऐसा देखा नहीं। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना, बालों से कैसे इलाज होगा यहाँ से, जानते जो जानते सर वो तो। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे भी देखिए क्या है, जैसे सारे डॉक्टर देते हैं वैसे मैं भी तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं और इतने अच्छे इसके इतनी सुविधाएं हैं इसमें। आप लैंडलाइन फोन लेके आए कि मोबाइल? मोबाइल। क्यों, लैंडलाइन से बात नहीं होती थी? उससे भी तो होती थी ना। अब क्यों नई चीज ले लिया मोबाइल? क्योंकि वो सुविधाजनक है। ऐसे ही मैं खाने के दवा दे सकता हूँ तो उससे भी बात काम होगा, लेकिन ये सुविधाजनक है। आप राजस्थान में बैठे रहोगे, आपकी कोई दवाई चेंज करना कुछ करना कैसे करेंगे, यहाँ से दूसरी दवाई फिर भेजेंगे, फिर वो पहुँचने में 10 दिन टाइम लगेगा, हाँ ठीक है। और एक चीज और होता है इसमें, डोजिंग की प्रॉब्लम होती है। डोज में क्या होता है, जैसे आपके लिए हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन का डोज दिए, अब वो आपको पर डे खाना है, 1 बार 2 बार 4 बार। पहले बात कभी आप भूल गए तो आपको स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, आज तो दवाई भूल गए, आज तो कैसे काम करेगी, कहीं काम में फंस गए। दूसरा हो सकता है जो आप एक दिन के बाद दूसरे दिन रिपीट कर रहे हो दवा, हो सकता है उसका एक्शन पहले खत्म हो जाए, बाद में खत्म, आपको तो मालूम ही नहीं कब खत्म हो रहा है। अगर जल्दी ले लिया तो ओवरडोज कर लिया, देर में लिया तो टाइम से नहीं मिली। इसमें क्या फायदा है, जब तक आपका बाल लगा हुआ है तब तक आपकी दवा चल रही है, ना आपको खाना है ना लगाना है ना कुछ करना है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए। एक बड़ा फायदा और होता है, जानते हैं क्या, जब तक आप दवा खाते हैं ना तब तक आपके अवचेतन में मन में बना रहता है, मैं बीमार हूँ तभी तो दवा खा रहा हूँ, यू आर टेकिंग पिल बिकॉज यू आर इल, ठीक। जब इसमें दवा खाना नहीं पड़ता ना तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, मेडिसिन का पार्ट हम करते हैं, बहुत सारे इसमें फायदे हैं। हाँ, जब समझ में आ जाता है लोगों को तो इसके मुरीद हो जाते हैं, पहली बार समझना है, और हम आपको ठीक करेंगे, हाँ ठीक करेंगे, ठीक करेंगे आपको, ठीक है।